Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. This is Preeti and this is another a very fun video on my channel. क्या बोला तूने? वैसे तो usually मैं informative, interesting कुछ इसी तरह के videos बनाती हूँ, but ये थोड़ा सा fun video होने वाला है because इसमें हम बात करने वाले हैं one of my favorite movie के review की. वैसे आपको title और thumbnail से तो पता चल ही गया होगा कि हम बात करने वाले हैं स्त्री 2 की, जिसका मुझे कब से इंतजार था. And literally I'm one of those fan जिसको स्त्री 1 देखने के बाद स्त्री 2 आने का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था. और जब मैंने ये अनाउंसमेंट सुनी थी कि स्त्री 2 भी आएगी तो आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज मुझे बचपन से ही थोड़ी हॉरर मूवी देखना पसंद है. और खैर स्त्री 1 तो हॉरर के साथ कॉमेडी का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था और यही उम्मीद मेरी स्त्री 2 के साथ भी थी. जब मैंने सुना था कि स्त्री 2 आने वाली है तो मैंने सोचा था कि हाँ, आई वॉज वेटिंग कि मतलब 6 साल लग गए स्त्री 2 आने में. आई वॉज वेटिंग कि कैसी होगी. एंड मुझे एक्सपेक्टेशन थी और नर्वसनेस भी थी क्योंकि आजकल जो लोग सीक्वल बनाते हैं वो बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं होता. सही पकड़े हैं. वो फर्स्ट वाले पार्ट की भी बैंड बजा देता है. तो मैंने सोचा था कहीं स्त्री 2 के साथ भी यही ना हो जाए. तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी स्त्री 2 से और फाइनली मैंने वो मूवी देख ली है और मैं कह सकती हूँ कि यस, वो हमारी उम्मीदों पर खड़ा उतरा. और बहुत ही फन मूवी थी, बहुत ही मज़ा आया. मूवी पूरी इंटरटेनिंग है. लाइक अगर आप कोई कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हो हॉरर का, कॉमेडी का, ड्रामा का, एक्शन का, रोमांस का, तो इस मूवी में आपको सब कुछ मिल जाएगा एक साथ एक ही जगह पे देखने के लिए. तो यही खास बात है इस मूवी की. वेल, इस वीडियो में मैं आपको मल्टीपल रीजन देने वाली हूँ व्हाई यू शुड वॉच स्त्री 2. एंड बिफोर टेलिंग यू द रीजंस, लिटिल डिस्क्लेमर कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि जब भी मैं कोई अच्छी मूवी देखती हूँ तो मुझे मन होता है कि आप लोगों से शेयर करूँ उसके पॉइंटर्स एंड आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू दूँ. तो मैंने सोचा कि ना इसका भी एक छोटा सा रिव्यू बनाते हैं. सो फर्स्ट रीज़न इज़ कि अगर आपको हॉरर पसंद है तो आप जा सकते हो. सेकंड रीज़न इज़ आपको कॉमेडी पसंद है तो आप जा सकते हो. थर्ड रीज़न इज़ आपको सस्पेंस पसंद है तो आप जा सकते हो. फोर्थ रीज़न इज़ लाइक अगर आपको सबका कॉम्बिनेशन देखना है तो आप जा सकते हो. फिफ्थ रीज़न इज़ राजकुमार राव इट्सेल्फ, क्योंकि वो बहुत ही अमेजिंग एक्टर है. लाइक आप स्त्री 1 उठा के देख लो और स्त्री 2 देख लो, दोनों में आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि राजकुमार में कुछ भी चेंजेस आए. वेदर इट इज़ लाइक एक्शंस और डायलॉग डिलीवरी और एनीथिंग, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने जस्ट मतलब अभी वो मूवी ख़त्म हुई थी और राजकुमार राव ने दूसरी मूवी बना दी. लाइक बहुत ही अमेजिंग रोल है उसका. एंड ऑफकोर्स श्रद्धा कपूर की स्क्रीन टाइम कम है मैंने सुना था. मैं अभी रिव्यू देख कर ही गई थी क्योंकि मुझे रिव्यू में जानना था कि लोगों के क्या ओपिनियन है, बट स्क्रीन टाइम उनका जितना है इनफ है क्योंकि हर एक कैरेक्टर इस मूवी का बहुत ही इंटरटेनिंग है. बोर तो आप कहीं पे भी हो गए नहीं, सारे कैरेक्टर्स बहुत ही इंटरटेनिंग है. जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि वो स्त्री 1 से एकदम कनेक्टेड है, मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ वहीं से कहानी आगे बढ़ रही है. ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि कुछ नई कहानी शुरू हो गई है एंड कुछ भी हो रहा है. नो, इट्स नथिंग लाइक दैट. हर चीज़ को जोड़ा गया है, चाहे वो चंदेरी पुराण हो, चाहे वो कैरेक्टर्स हो, कैरेक्टर्स के साथ पास्ट में क्या हुआ था, मतलब हर एक चीज़ को जोड़ा गया. छोटे छोटे एक्टर्स जो आपने पिछले मूवी में देखे थे, स्त्री 1 में देखे थे, वो सब स्त्री 2 में आपको देखने को मिलेंगे. एंड ऑफकोर्स इन तीनों की तिकड़ी हो, चाहे रुद्र भैया की कॉमिक टाइमिंग हो, सब कुछ आपको बहुत ही परफेक्ट लगेगा. तो मूवी देख के तो बहुत मज़ा आ गया. अ मस्ट वॉच मूवी अगर आप एंटरटेन होना चाहते हो, क्योंकि वंस इन अ ब्लू मून ही इस तरह के कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ मूवी बनती है. तो यू शुड गो एंड वॉच स्त्री 2 एंड आपको भी मज़ा आएगा जैसे मुझे मज़ा आया था. तो यस, और इसमें मैसेज भी काफ़ी अच्छा मिला है. लाइक पिछली बार भी उन्होंने कुछ मैसेज दिया था एंड इस बार भी मूवी के थ्रू आपको एक मैसेज मिला है और छोटा सा हिंट भी मिला है कि स्त्री 3 भी जल्दी आने वाली है. वैसे तो स्त्री 3 की भी स्क्रिप्टिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है एज पर द सोर्सेज, एज पर द डायरेक्टर. कहानी तैयार है, शूटिंग और सब कुछ जो भी एडिटिंग वर्क होता है वो सब करना है. तो स्टार्स की डेट लेके वो भी शुरू हो जाएगा जल्दी एंड होपफुली हमें इस बार इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा स्त्री 3 के लिए. सो एक ये छोटी सी हिंट भी है. एंड अनदर अ बिग रीजन ऑफ द कैमियो ऑफ सम पॉपुलर एक्टर एंड एक्ट्रेसेस
चाहे वो तमन्ना भाटिया हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो वरुण धवन हो, आपको सबके छोटे 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 कैमियो देखने को मिलेंगे। और वो कैमियो ऐसे वैसे नहीं है, उनका डायरेक्ट कनेक्शन होगा स्त्री थ्री से भी, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आगे के पार्ट्स में भी। वैसे तो ये मूवी मस्ट वॉच है, तो ये मूवी भी आप ज़रूर चेकआउट करना, तभी आपको आगे की मूवीज़ जो भी राइटर्स ने सोची होगी देखने में मज़ा आएगा। तो यस, ये था एक छोटा सा रिव्यू, आई होप कि आपको ये रिव्यू पसंद आया हो। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपने स्त्री 2 देखी या नहीं देखी। और यस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, सो दैट आपको फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।